कबीरा कबीरा गंदी देह का, कबीरा गंदी देह का एक पल का भरोसा ना, कल देख्या बाजारा में और आज मसाणा मां। आप जतरा यू कहवा मैं बहुत सुंदर हूं, मारा जिसो कोई नहीं है। कबीर दास जी ने काया ने बेकार बताई, गंदी बताई, क्योंकि कबीरा इस देह का एक पल का भरोसा ना है, कल देखा बाजारा में और आज मसाना माए। अब एक औरत एक लुगई जनी उम्र ही 70 साल तकरीबन वेला, बूढ़ी औरत बड़ी औरत रे, पूरा परिवार बेटा बेटी पोता पोती पूरो खेल तो झूल तो परिवार, मगर इंसान जो जन्म ले वो एक दिन मरता है। अपने घर में बाल बच्चों वेवे तो आप यूं नहीं कह सका गारंटी हूं के यो बड़ो वे, आप यूं नहीं कह सका के अनी शादी वे, आप यूं नहीं कह सका के अने बाल बच्चा वे। अपन एक बात जरूर कह सकते हैं कि ये अपने घर में पैदा हुआ है एक दिन मरेगा। वह औरत 60-70 साल री पिलंग पे हुती लगी, भगवान रा घर रो बुलावो आयो। यमरा दूता ने क्यों भाई था मत जाओ, वणी लुगाई ने लेवाने, वणी लुगाई ने लेवाने मुंह जाऊं, क्योंकि वणी लुगाई रा कर्म बहुत अच्छा है, उसके कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं जाऊंगा लेने के लिए। अब भगवान खुद उस औरत को लेने के लिए जमीन पे आए और आतोकिन वणी मां ने कियो कि मां जी चालो, अबे आप रो टाइम आई गयो, आपने मारा लारे चालनो पड़ी। तब उस औरत ने रोते हुए कहा, भगवान आप मुझे ले जाओगे तो सही, मगर आपकी इजाजत हो आपरी इच्छा में तो खाली 5 मिनट मने और दे दो, खाली 5 मिनट मारे और चेहरा। भगवान क्यों मां जी 5 मिनट ने अबे कई करोगा मरता मरता। तो वो 70 साल की औरत रोते हुए भगवान से कहने लगी, और क्या कहने लगी एक एक मिनट सुनिएगा उसने क्या कहा। ओ संतो सूर्य कहां सो आ गयो रे संदेश बुलावो आ गयो, राम रो हो संतो सूर्य कहां सुहा गयो रे संदेश बुलावो आ गयो राम रो। उसने कहा, भगवान अरे एक मिनट प्रभु माने दियो, अरे एक मिनट प्रभु माने दियो करा बेटा सेवा, एक मिनट प्रभु माने दियो मैं करा बेटा सेवा, मैं करा बेटा सेवा। हे मारा बेटा मारी बात सुन, अलमारी में पैसा रख्या हो, अलमारी में पैसा रख्या। हे बेटा अलमारी में पैसा रख्या, आपस में लीजो थे तो बांट, बुलावो आ गयो राम रो। हो अलमारी में गहना रख्या, भाई भाई लीजो थे तो बांट, बुलावो आ गयो राम रो।
भगवान क्यों माजी एक मिनट बेटा रहा वैसे चार मिनट करना लिए जल्दी बोलो। तब उस औरत ने कहा भगवान सुनिए, अरे दूसरो मिनट प्रभु माने दियो, अरे दूसरो मिनट प्रभु माने दियो करा विंदनी सेवा, दूसरो मिनट प्रभु माने दियो करा बहुआ सेवा, मैं करा बहु सेवा। बहुआ ने पास में बुलाई, विंदनिया ने पास में बुलाई, हाउजी विंदनी ने केवल लगी है विंदनी, मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो, मैं तो घर ने बांधी ने राख्यो, मगर हे लाडी आगे संभालो परिवार हे बुलावो आगे राम रो, अरे मैं तो घर ने बांधने राख्यो आगे संभालो परिवार हे बुलावो आगे राम रो। निकला एक मुसाफिर, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ साड़िया दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी एक हड्डी के, ये बयान थे संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। दो मिनट खत्म, भगवान क्यों माजी तीन मिनट करना लिए। तब वो औरत उसने इतने सुंदर मिनट मांगे, आहा, उसने कहा भगवान सुनो, अरे तीसरो मिनट प्रभु माने दियो, अरे तीसरो मिनट प्रभु माने दियो तो मैं करा पोता सेवा, तो मैं करा पोता सेवा, अरे मैं करा पोता सेवा। पोता ने पास में बुलायो, दादी माँ धड़क धड़क रोवा लगी, पोता रा माता में हाथ घुमाए, वा दादी माँ बोली पोता, दादी जी तो सुरगा चाली हो, दादी जी तो सुरगा चाली। हे पोता दादी जी तो सुरगा चाली पण अबे कुण करेला थारा लाडे बुलावो आग्यो राम रो, हे दादी जी तो सुरगा चाली कुण करेला थारा लाडे बुलावो आग्यो राम रो। एक माँ को बेटे से ज्यादा प्यार अपने पोते से होता है, वह माँ बेटों ज्यादा प्यार पोतों करे, क्यों? क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, दादी माँ जन्मों का संगम है। और तीन मिनट खत्म, पीछे बचे कितने मिनट? दो मिनट। भगवान ने कहा माजी जल्दी मांगो टाइम हो गया, तब उसने कहा भगवान सिर्फ दो मिनट बोलो। मां ने कहा भगवान
अरे चौथो मिनट प्रभु माने जो, अरे चौथो मिनट प्रभु माने दियो, तो मैं करा बेटी ही सेवा, करा बेटी सेवा। मित्रों शब्द आया बेटी, शब्द आया बेटी के ओस के बूंद सी होती है बेटिया, ओस के बूंद सी होती है बेटिया। अरे प्यार ना मिले तो रोती है बेटिया। ये बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। और मेरा उन लोगों से कहना, उन वीआईपीओ से कहना जो सोनोग्राफी करवा के पेट में अपनी बच्ची को मारते हैं, उनसे क्या कहना कि बेटी लेने आवे छे, हो बेटी लेने आवे छे, खुद रो भाग मत मारो इनने कोख में। बेटी लेने आवे छे, खुद रो भाग मत मारो इनने कोख में, बेटी ने मत मारो इनने कोख में। अरे चौथो मिनट प्रभु माने दियो, तो मैं करा बेटी सेवा। मित्रों सुनना, अगर दुनिया में ये नियम होता, दुनिया में अगर ये नियम होता कि बेटी की शादी के बाद भी माँ बाप बेटी के साथ रह सकते हैं, तो इस भारत में एक भी वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता, एक भी वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता। ये बेटियों का प्यार होता है, बेटे अपनी मस्ती में रहते हैं, मगर बेटियां रोज ससुराल से भी फोन करती है, माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी है। इसलिए जब उसकी शादी हुई ना, तब बेटी ने कहा, मेरी माँ, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, चौथो मिनट प्रभु माने दियो, तो मैं करा बेटी ही सेवा। बेटी ने गले लगाए, माँ केवा लगी है बेटी, एक इच्छा हमारी पूरी नी विवा कई, मायरा की मन में रहेगी, ओ बेटा, अरे मायरा की मन में रहेगी, की मन में रेगी पड़े हे बेटी, ये भाई भरेला थारो भात बुलावो आजो राम रो, ए मायरा की मन में रेगी, बीरो भरेला थारो भात बुलावो आजो राम रो। और जनी समय बहन रे मायरा री वेड़ा आई, तो बहन रोवा लगी के हे बीरा, क्यों नी आयो रे, क्यों नी आयो रे, हो क्यों नी आयो रे, क्यों नी आयो रे, हो पीरा रे, पीरा रे, थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मैरो लाजे रे, मैं चाहूंगा कोई रोए ना। इस भजन की अंतिम लाइन गा रहा हूं, अपने आप को संभाल लें। बहुत जनों की आंखों में आंसू हैं। तब भगवान ने कहा, माँ जी
अब पांचवा मिनट किसके लिए? तब एक सच्ची औरत, एक पतिव्रता नार, एक धरती की मां पांचवा मिनट क्या मांगती है? मित्रों सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो ताली मत बजाना, सच्चा लगे तो भी मत बजाना, आपका दिल हिल जाए कि एक औरत मरते वक्त ये मांगती है। तब लिखने वाले की इज्जत में जरूर दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना। उस औरत ने कहा, भगवान सुनो, अरे पांचवो मिनट प्रभु माने दियो, अंतिम मिनट प्रभु माने दियो, तो मैं करा पति सेवा। पांचवो मिनट प्रभु माने दियो, मैं करा पति सेवा। हे पति देव, जाते जाते मुझे एक इच्छा मेरी पूरी कर दो। एक पत्नी ने पति से कहा कि हे पति देव, मेरी इच्छा ये कि कुमकुम मेहंदी चावल लेने, कुमकुम मेहंदी चावल लेने, मोतिया सु भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम रो। कुमकुम मेहंदी चावल लेने, मोतिया सु भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम रो। संतो सुरिका सु आग्यो रे संदेश, बुलावो आग्यो राम रो। और मित्रों सुनिए, ये भजन मैं क्यों गा रहा हूं, इसका एक कारण है। अगर आदमी को यूं कह दे कि अरे आदमी, हे आदमी, तेरी कमर पर एक 9 किलो का पत्थर बांध गए, तू 9 दिन तक रह सकता है क्या? आदमी की औकात नहीं। 3 किलो 9 किलो छोड़ो, 3 किलो का पत्थर भी कमर पे बांध के 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है, अपने लाडले को रखती है, अपने कलेजे के टुकड़े को रखती है, क्योंकि माँ का प्यार इस धरती पे कोई पार ना पाया। क्योंकि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो जग से न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, टीवी सर थैंक यू। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ, हो बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, वो मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मत रोइए माँ जी, तू बलिहारी है। हो माँ, हो
आदमी दिन भर से हारा थका टेंशन में जब शाम को घर जाता है ना, तब बाप पूछता है बेटा कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाए, मगर एक माँ पूछती है बेटा खाना खाया कि नहीं, ये बता रोटी खाई कि नहीं, ये बता, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, मगर बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, आज मेरी माँ ने मुझको लहरू के बुलाया है, ओ माँ जम कुमार, ओ माँ ओ मेरी माँ, माँ तू प्यारी माँ, इस भजन का मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आदमी मंदिर में जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद चढ़ाए या ना चढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जिमाए या ना जिमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे आप अपने घर के मां बाप, घर के भगवान जो मां बाप होते हैं उनकी इज्जत कर लेना, ये मंदिर वाला भी आपकी इज्जत कर लेगा। मित्रों मां बाप की सेवा जरूर करना, बस आज की सत्संग का यही सार है कि जो जीवित भगवान है, हमारे भगवान हमारे मां बाप, उनकी कदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना, अपने सासू ससुरा जी की इज्जत करना, क्योंकि जितना ना जाने क्या जादू है, माता पिता के पैरों में जितना झुकता हूं उतना आसमान को छूता हूं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं छोटा सा था, मेरे माँ के पास में मैं सो रहा था, रात की 1 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं चीखा चिल्लाया, माँ मेरे पेट में दर्द है, माँ फटाक से उठी, निंद्रा त्यागी, अजवाइन की फाकी बनाई, मुझे खिलाया, अपने सांसों से लगा के मुझे सुला दिया, मेरे पेट में आराम कम पड़ा, अब आज मैं बड़ा हो गया, मेरी पत्नी मेरे पास सो रही थी, अचानक रात की 1 बजे मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने मेरी पत्नी से कहा मेरे पेट में दर्द है, मेरी पत्नी ने मुंह फुला के बोला कि तुम्हारा पेट भी रात को दर्द होता है, चुपचाप सो जाओ, सुबह डॉक्टर को बताएंगे, तब मैं पेट पकड़ के मेरी माँ के कमरे में गया, वही पुराना प्यार जगा, जैसे ही खटखट किया माँ उठी, कलेजे से लगाया, अजवाइन की फाकी बनाई और मुझे खिलाया, क्योंकि माँ खोलने से मुंह पूरा खुलता है, माँ ये संसार सिमट जाए, क्योंकि तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और ना कोई, ओ माँ जब जब टूटा
मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, मुझसे पहले तू रोई, दुखन लागी माँ तेरी अखियां, दुखन लागी माँ तेरी अखियां मेरे लिए। आपको पता है जब आदमी शाम को घर जाता है ना तो पत्नी पैर दबाती है ना, उतना आराम नहीं पड़ता जितना माँ के सर में गोदी में आप सर लगा के सो जाओ। जब माँ अंगुलियां घुमाती है ना यूं यूं, सारा दर्द दुख मिट जाता है, वो अंगुलियों में जादू होता है। अरे वरना 7 स्टार में भी खाना खाया, 5 स्टार में भी खाना खाया, मगर वो प्यार वो जादू नहीं जो माँ के हाथों के खानों का होता है, वो जादू नहीं मित्रों। इसलिए माँ की बाप की इज्जत करना। संतों सूर्य घासू आ गयो रे संदेह से बुलावो, आ गयो राम रो वो संतों सूर्य घासू आ गयो रे संदेह से बुलावो, आ गयो राम रो। दुखन लागी माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरे रोने पे जो अपने माँ बाप से प्यार करता है दोनों हाथ आसमान की तरफ, जो अपने माँ बाप से प्यार करता है दोनों हाथ घुमाए सिर्फ ऐसे, हो माँ हो माँ, ये उदयपुर आज पूरा माँ के नाम से गुंजायमान हो जाए मित्रों। हो माँ हो माँ, हो संतों सूर्य घासू आ गयो रे संदेह से बुलावो, आ गयो राम रो हो बुलावो, आ गयो राम रो हो बुलावो, आ गयो अरे राम।